हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। दावे के साथ कहता हूँ ये वाली वीडियो ना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाली है। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप समझ जाओगे कि कल की 298 AD मूवी के मेकर्स क्या ही सुपर प्रमोशन प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद वो गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रथनगिरा सिनेमा की तरफ से हमें US से ऑडियंस लोगों की रिएक्शन देखने को मिला है। बुज्जी और भैरवा एनिमेटेड फ्रीलोड देखने के बाद उन लोगों का किस तरह का रिएक्शन आया है वो देखने को मिला है। भाई लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मन्यू सिनेमा की तरफ से भी हमें UK की ऑडियंस की रिएक्शन देखने को मिल रही है कि बुज्जी भैरवा एनिमेटेड फ्रीलोड को देखने के बाद उन लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। गजब का रिएक्शन आ रहा है। ओके, तो हर तरफ बुज्जी और भैरवा माहौल खतरनाक बना करके रखे हैं। अभी देखो फिल्म की तरफ से कोई भी आउटपुट नहीं आया है अभी तक, बस बुज्जी और भैरवा का वो मतलब एनिमेटेड फ्रीलोड का हमें कुछ देखने को मिला है। मतलब एनिमेटेड फ्रीलोड का 2 एपिसोड देखने को मिला है, वो टीजर देखने को मिला है, बस उतना ही। लेकिन फिल्म के अंदर से कोई भी आउटपुट नहीं आया है। लेकिन फिर भी बुक माय शो का इंटरेस्ट भाई साहब खतरनाक तरीके का इंक्रीज हो रहा है। मैं कल ही आपको एक वीडियो में बता रहा था कि जो कि कितना था, 250K था, है ना, मतलब 250,000 समथिंग था, 253,000 समथिंग था, ऐसा कुछ था। मैं आपको बताया था कल वाले डेट में। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो 258,000 हो चुके हैं, 258K प्लस। ओके, 258,000 से ज़्यादा तक का इंटरेस्ट हो चुका है। मतलब डे बाय डे 5,000 से 7,000 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो भी विदाउट एनी आउटपुट, जो कि फिल्म की तरफ से जो आउटपुट आता है टीजर ट्रेलर सॉन्ग टाइप का, वैसा वाला आउटपुट ना आ करके भी इस तरह का बुक माई शो का इंटरेस्ट बढ़ना, इसमें पता चलता है कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब वो आएगा तो क्या सुनामी उठेगा, लोगों का इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ेगा, जरा सोचो। जो कि ट्रेलर आ रही है बहुत ही जल्द, आज शाम को ही अनाउंसमेंट हो जाएगा और 7 जून तक हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि वो गुड न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरा जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो पे मैं आपको प्रथनगिरा सिनेमा के ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट दिखा करके आपको बता रहा था कि प्रथनगिरा सिनेमा की तरफ से आज ये ट्वीट हुआ है, ये अपडेट देखने को मिला है। वहां पे वो लिखा है ट्रेलर सॉन्ग्स मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे, इवेंट्स मतलब बहुत सारे इवेंट होंगे। वो इवेंट लिख सकता था लेकिन एस लगाया है, इवेंट्स मतलब बहुत सारे इवेंट्स होंगे, और उसका अपडेट हमारे पास पहुंच चुका है। जी हाँ गाइस, फिल्म का बहुत सारा इवेंट होने वाला है, मतलब जितने सारे आउटपुट आएंगे उतने सारे इवेंट होने वाले हैं। जैसे कि 7 जून को हमें मुंबई में इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि ट्रेलर ये लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, मुंबई में किसी थिएटर में। आज की डेट में मतलब इवनिंग तक हमें पता चल जाएगा कौन सा थिएटर है, कौन सी वेन्यू है, क्या है, कहाँ कहाँ पे वो इवेंट होने वाला है। तो मुंबई में 7 जून को एक इवेंट होगा जहाँ पे ट्रेलर लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद जून के महीने में फिल्म रिलीज हो रही है जून में, तो इसी बीच कौन सी एक डेट होगा, डेट के बारे में अभी तक अपडेट नहीं आया है। ओके, बस 7 जून का डेट मतलब बस पता चला है कि ट्रेलर आ रही है। उसके बाद जून के बाद कौन सा एक आउटपुट फिर आएगा, मेरे ख्याल से सॉन्ग आएंगे। ओके, ट्रेलर तो बार बार नहीं छोड़ेंगे ना, एक ट्रेलर आ गया 7 जून को जो कि मुंबई में इवेंट होगा, उसके बाद सॉन्ग आएगा। तो वो सॉन्ग जब ये लोग लेकर के आएंगे डायरेक्टली सोशल मीडिया पे बस नहीं छोड़ देंगे, उसके साथ भी एक इवेंट रखेंगे जो कि चेन्नई में होगा, ठीक है ना। चेन्नई में एक इवेंट होगा जहां पे ये लोग सॉन्ग लॉन्च करेंगे। प्रथनगिरा सिनेमा की तरफ से हमें अपडेट क्या मिला है, सॉन्ग्स मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा सॉन्ग जब ये लोग रिलीज करेंगे, जब लॉन्च करेंगे, वो भी एक इवेंट के साथ करेंगे जो कि दिल्ली में होगा। दिल्ली में एक इवेंट होगा जहां पे दूसरा सॉन्ग ये लोग फिर लॉन्च करेंगे। और फाइनली प्री रिलीज इवेंट, जो हम कहते हैं कि लाखों के तादाद में फैंस लोग आते हैं और एकदम से गजब का माहौल बना करके जो प्री रिलीज इवेंट होता है, मेरे ख्याल से वो जो होगा ना, वो सेकेंड ट्रेलर समथिंग ऐसा कुछ ये लोग रिलीज कर सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, कोई तो एक आउटपुट होगा जो कि वो माहौल को सूट करेगा। जैसे कि ट्रेलर 2 वगैरह छोड़ते ना यार, ओके, तो वैसा वाला कुछ होगा जो कि 20 जून को होगा। ओके, 20 तारीख प्री रिलीज इवेंट होगा, वो भी आंध्र प्रदेश में। ओके, वो होगा फैंस वाला इवेंट, जो प्री रिलीज इवेंट होता है, जो साहो बाहुबली 2 राधे श्याम आदि पुरुष के साथ हम जी चुके हैं, तो वैसा वाला सीन जो होगा वो 20 जून को होगा। लेकिन उससे पहले भी कई सारे इवेंट होंगे जो कि मेकर्स आएंगे थिएटर में, और वो मतलब कुछ स्पेशल लोगों के साथ, रिपोर्टर लोगों के साथ, इन लोगों के साथ जो इवेंट होता है वो इवेंट के साथ ये लोग लॉन्च करेंगे कई सारे आउटपुट। जितने भी आउटपुट आएंगे उतना सारा इवेंट होगा।
तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ सर क्या हो सकता है, जरा सोचो। मैं यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि 7 जून को ट्रेलर आ रही है और उसका इवेंट है मुंबई में, मतलब नॉर्थ के साइड पे। और दूसरी वाली बात जो है, सेकंड सॉन्ग जो आएगा ना, उसका जो इवेंट होगा वो दिल्ली में होगा, मतलब नॉर्थ साइड में दो दो इवेंट है। यही चाहिए बॉस, यही तो चाहिए, है ना? मतलब नॉर्थ साइड में दो दो इवेंट, मुंबई में भी और दिल्ली में भी, सॉन्ग के साथ भी एक और ट्रेलर के साथ भी एक, मतलब साउथ एंड नॉर्थ दोनों को एक साथ समान परिमाण में ये लोग लेकर के जा रहे हैं, कहीं पे ऊपर नीचा नहीं, है ना? मतलब साउथ में भी एक ट्रेलर और एक सॉन्ग का इवेंट, और नॉर्थ में भी एक ट्रेलर और एक सॉन्ग का इवेंट। ग्रेट है बॉस, ग्रेट है। कुछ इस तरह का इवेंट, कुछ इस तरह का प्रमोशन इन लोगों का प्लानिंग है, जो कि हमें अपडेट देखने को मिला है। अगर वाकई में इस अपडेट में दम है और ऐसा कुछ मेकर्स करने जा रहे हैं, तो भाई बॉक्स ऑफिस फटने वाली है। जबरदस्त कलेक्शन, जितना सारा हिंदी का कलेक्शन, जितना सारा साउथ का कलेक्शन तो डार्लिंग प्रवास का ही रहता है, वो अपना ही कलेक्शन सब कुछ डार्लिंग प्रवास तोड़ने वाले हैं कल की 2008 AD मूवी के साथ। और ऊपर से ओवरसीज का तो धमाका बहुत ज्यादा होने वाला है, आप लोगों को पता है, वहां पे भी खेल जम रही है एकदम से। तो भाई बहुत बड़ा सुनामी ये आ रहा है, बस अभी आज की इवनिंग का इंतजार है, जो कि ट्रेलर का अनाउंसमेंट होगा, और 7 जून का इंतजार है स्पेशली, जहां पे ये खेल जो है, ये धमाका जो है शुरू होने वाली है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।